हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द स्पोर्ट्स सर्किट पीएसएल 2020 बात करेंगे मैच नंबर 12 मुल्तान सुल्तान वर्सेस क्वेटा ग्लेडिएटर्स की। बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ, हाई स्कोरिंग मैच था, बहुत ही शानदार बैटिंग्स देखने में आई। बेसिकली अ टेल ऑफ टू ग्रेट इनिंग्स, वन फ्रॉम मुल्तान सुल्तान रिली रोसो 43 बॉल 100 एंड द अदर वन इज़ फ्रॉम क्वेटा ग्लेडिएटर्स शेन वॉटसन, जो कि अब तक टूर्नामेंट में कुछ खास कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाए थे, लेकिन इस मैच में उन्होंने 41 बॉल 80 किया। मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। थोड़ा सा उस वक्त ये लग रहा था कि ये डिसीजन क्यों लिया है, क्वेटा ग्लेडिएटर्स ऑलवेज वांट टू बैट सेकेंड, सो क्या उनको उनकी स्ट्रेंथ पर खिला रहे हैं। लेकिन और ऊपर से फिर पहली विकेट भी जल्दी गिर गई, 23 रन पर पहली विकेट गिर गई जब ज़ीशान अशरफ आउट हो गए। जेम्स विंस ने थोड़ा सा स्कोर किया 24 गेंदों पर 29 रन, उसके बाद वो भी आउट हो गए। लेकिन शान मसूद ने उसके बाद थोड़ा सा अच्छा खेला, उन्होंने 32 गेंदों पर 46 रन बनाए। मोइन अली भी जल्दी आउट हो गए इस मैच में, उन्होंने मोइन अली को नीचे खिलाया था। इसके हमने कहा कि मुल्तान सुल्तान कंटिन्यूसली अपने टॉप ऑर्डर के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, अभी तक उनका टॉप ऑर्डर सेटल नहीं हो सका। उनका मिडल ऑर्डर स्कोर कर रहा है लेकिन टॉप ऑर्डर में अभी भी उनको प्रॉब्लम है। पिछले मैच में उन्होंने मोइन अली और ज़ीशान से ओपन करवाया था, इस मैच में उन्होंने ज़ीशान और जेम्स विन से ओपन कराया। शान मसूद खुद नंबर 3 पे आए हैं और मोइन अली को नंबर 4 पे भेजा है। मेरा ख्याल है कि मोइन अली ओपनिंग में ज़्यादा बेहतर रहेंगे बनिस्बत के नंबर 4 नंबर 5 पे। बहरहाल असल जो गेम था वो रिली रोसो ने दिखाया, 44 गेंदों पर 100 बनाए, बेसिकली 43 बॉल 100 था, 44 बॉल पे कुछ नहीं कर सके थे। 6 छक्के और 10 चौके लगाए उन्होंने और सिंगल हैंडेडली उन्होंने आखिरी के जो 5-6 ओवर थे उन्होंने उसमें धुआंधार किस्म की बैटिंग का मुजाहरा किया और मुल्तान सुल्तान ने 199 रन बनाए 5 गेंदों पर। जवाबन क्वेटा ग्लेडिएटर्स की इनिंग बहुत ही ज़बरदस्त आगाज़ मिला उनको भी, जेसन रॉय और शेन वॉटसन ने एक बहुत ज़बरदस्त आगाज़ फराहम किया, तकरीबन 6.5 ओवर में 57 रन की पार्टनरशिप की। फिर जेसन रॉय आउट हो गए, उसके बाद कोई भी खिलाड़ी जो है वो शेन वॉटसन का प्रॉपरली साथ नहीं दे सका। शेन वॉटसन ही स्कोर कर रहे थे लेकिन दूसरे एंड से कोई खास स्कोर नहीं हो पा रहा था। एहसन अली ने 16 गेंदों पर 14 रन बनाए आउट हो गए, उनको खुशदिल शाह ने आउट किया। आज़म खान 6 गेंदों पर 6 रन बनाकर आउट हुए, डीप मिडविकेट पे उनका कैच लिया मैडसन ने। पेन कटिंग 12 गेंदों पर 12 रन बना सके, अनवर अली 8 गेंदों पर 14 रन, सुहेल खान 2 गेंदों पर 1 रन, मोहम्मद नवाज़ 6 गेंदों पर 5 रन नॉट आउट रहे और सरफराज अहमद बहुत लेट आए, सही फैसला था उनका, वो बड़ी हिटें लगाने वाले बैट्समैनों को ऊपर भेज रहे थे, 4 गेंदों पर 3 रन बना सके। शेन वॉटसन को बीच में एक दो चांस भी मिले लेकिन टारगेट इतना बड़ा था कि फिर भी वो उसको अचीव नहीं कर पाए और 80 रन बनाकर आउट हो गए। जिस जगह पर शेन वॉटसन आउट हुए काफ़ी हद तक मैच कंट्रोल में आ गया था मुल्तान सुल्तान के, बाकी उसके बाद काफ़ी हद तक फॉर्मेलिटी ही थी। सिर्फ एक बैन कटिंग ऐसे बैट्समैन थे, ऑलराउंडर ऐसे थे कि जिनसे थोड़ी सी उम्मीद थी कि वो बड़ी हिटें लगाएंगे, लेकिन बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई स्पेशली बिलावल भट्टी ने, टुवर्ड्स एंड काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई, स्लो बॉल स्लो बाउंसर्स चेंज ऑफ पेस बहुत अच्छा उन्होंने किया। मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग पर नज़र डालेंगे, मोहम्मद इरफान काफ़ी एक्सपेंसिव रहे, 4 ओवर में 49 रन दिए उन्होंने। मोहम्मद इलियास भी काफ़ी एक्सपेंसिव रहे, 3 ओवर में 37 रन दिए, ये ओपनिंग बॉलर थे और इनको जेसन रॉय और शेन वॉटसन ने इनसे अच्छे खासे रन वसूल किए। सुहेल तनवीर वंस अगेन वेरी एक्सपीरियंस बॉलर ऑफ T20 एंड पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट, उन्होंने अगेन अपना एक्सपीरियंस शो किया, कोई खिलाड़ी तो आउट नहीं किया लेकिन 4 ओवर में रन सिर्फ 27 दिए। बिलावल भट्टी जैसे कि हमने कहा कि आखिर के ओवरों में उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, बड़ी नपीतुली बॉलिंग, चेंज ऑफ पेस स्लोअर बॉल बहुत अच्छी थी, 4 ओवर में 26 रन देकर उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। इमरान ताहिर ने 4 ओवर में 27 रन दिए, 2 खिलाड़ियों को आउट किया और खुशदिल शाह ने 1 ओवर में 1 रन देकर 1 आउट किया और मुल्तान सुल्तान ये मैच 30 रन से जीत गया। रिली रोसो मैन ऑफ द मैच थे अपनी शानदार इनिंग की बदौलत। इस विक्ट्री के साथ मुल्तान सुल्तान जो हैं टॉप ऑफ द टेबल 8 पॉइंट लेकर, क्वेटा ग्लेडिएटर एट नंबर 2 विद 6 पॉइंट्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड
और पिशावर जलमी का मैच जो है कल वो अबेंडन हो गया, बारिश की वजह से नहीं हो सका, इसलिए पिशावर जलमी इस्लामाबाद यूनाइटेड दोनों को एक एक पॉइंट मिला और दोनों 5 पॉइंट पर हैं। नेट रन रेट बेहतर होने की वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड इज़ एट नंबर 3 एंड पिशावर जलमी इज़ एट नंबर 4। हसब दस्तूर हसब रिवायत कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स एट द बॉटम बोथ ऑफ देम, लेट्स सी इफ दे कैन डू एनीथिंग डिफरेंट इन अपकमिंग मैचेस एंड कैन क्लाइंब अप द लैडर, लेट्स सी। थैंक यू वेरी मच।